बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ मुहिम छिड़ चुका है। सूबे के विपक्षी पार्टी राजद ने चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद पार्टी में एमपी से लेकर विधायक तथा पार्टी पदाधिकारी तक सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष भोला खां व विधायक प्रतिनिधि देवसुंदर यादव ने किया। धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक राम विश्व सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं का बढ़ा हुआ बिल मिल रहा है, जो गरीबी पर आर्थिक बोझ उठाएगा। हर समाज के लोगों से स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगने दे, जब तक हमारे नेता का आदेश नहीं आता है तब तक नहीं लगने दे। ये सबकी हित की बात है, कोई राष्ट्रीय जनता दल की हित की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता की बात है। चाहे किसी समाज के किसी दल के लोग हो, सब लोगों के दल के लोग कह रहा है कि ये गलत स्मार्ट मीटर लग रहा है। इसलिए सभी लोग से मेरा पूरा अपील है, स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगने दें। जहाँ हो वहाँ कहिए, हमारे साथी लोग जाएंगे और गाँव के भी लोग वहाँ एक होकर के रोके। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपभोक्ताओं को पारंपरिक मीटरों की तुलना में बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं। धरना को पूर्व विधायक भाई दिनेश, पूर्व जीप सदस्य गोरखनाथ यादव, रीता देवी, रेणु देवी ने भी संबोधित किया। धरना स्थल पर पहुंचे सीओ विश्वजीत नीलांकर के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर अनिल यादव, अवधेश यादव, श्री भगवान सिंह, हसामुद्दीन उर्फ भुट्टी, सुनील शर्मा, अजय यादव, मुनिजी यादव, सबीर वारसी, बैजयंती देवी, गोरखनाथ यादव, हबीब वारसी, अमरिंदर यादव, राजू यादव सहित सैकड़ों राजद नेताओं ने वहां उपस्थित होकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ नारेबाजी की। आप सभी जान रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से गरीबों का घाटा है, जो भी उपभोक्ता है उनका घाटा है। इसलिए हर हालत में स्मार्ट मीटर नहीं लगे। सरकार उस स्मार्ट मीटर कंपनी से पैसा लेने का काम किया है, जिसके तहत उन्होंने बलपूर्वक यह मीटर लगाना। आज तक अभी तक 2 से 3 माह हो गया, एक भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। तो आपको सरकार को वहां पर चिट्ठी देना चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में क्यों देरी हो रहा है। यहां पर जो दाखिल खारिज हो रहा है, जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, उसको यहां के अंचल के द्वारा, यहां के कर्मचारी के द्वारा किसी न किसी तरह करके अमान्य कर करके और डीसीएल के यहां भेजा जा रहा है। और कोई किसान डीसीएल के यहां जाएगा उसको कम से कम 5 से 6 हजार। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।